गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो हैप्पी रामनवमी। ये व्लॉग उसी दिन का है, तो शायद इस व्लॉग को अपलोड करते हुए मुझे एक दो दिन लग जाए। हस्बैंड गए हैं मॉर्निंग शिफ्ट, मैं सारा घर का काम करके अभी बैठी हूँ सब्जी कट करने के लिए। डुगू को भी मेरे पास ही बैठा के रखी हूँ, बैठू बैठी है पढ़ाई करने, तो उसको पढ़ाते हुए मैं अपना सब्जी भी कट कर लूँगी, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। सो मॉर्निंग का काम करने के बाद बच्चे को भी ब्रेकफास्ट करवा दिया है। आज थोड़ा सा लेट उठे थे हम, क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी जाने के बाद ना आँख लग गया था। दोबारा सोने से आँख लग जाता है तो उठने में भी देर हो जाती है। फिर फटाफट से काम किया और अभी सोच रही हूँ कि सब्जी वगैरह कट कर लूँ। रात को हस्बैंड ये सब्जी लेके आए थे, तो थोड़ा सा पुई जो बोलते हैं ना वो बनाऊँगी। और साल का पहली बार जैकफ्रूट ले आए हैं, साल का फल एक बार तो खाना चाहिए। ये जैकफ्रूट हम ज़्यादा खाते नहीं हैं, हस्बैंड भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मतलब जैकफ्रूट खाने से क्या होता है पता है, जैसे पूरे बॉडी में दर्द होने लगता है, ऐसा वैसा कुछ अच्छा नहीं लगता है बॉडी, तो इसीलिए हम जैकफ्रूट बहुत कम खाते हैं। पर साल का फल है तो इसीलिए एक बार तो खाना चाहिए। राइस चढ़ाने के बाद मैं गई थी कपड़े धोने, तो डुगू भी मेरे साथ ही जाएगा, तो पूरा कपड़ा गीला कर लिया, इसीलिए कपड़े धोने के बाद उसको भी मैंने नहला दिया है। अभी अंडा भी बॉयल किया है दोनों को लिए, तो पहले मैं उन दोनों को अंडा दे दूँ, छिलका रखा था तो वो ही लेने लगा। यहाँ पर मैंने बॉयल भी कर लिया है, जो पानी था उसे मैंने फेंक दिया है, क्योंकि जो एक ग्लू टाइप रहता है ना, आठा बोलते हैं ना हम लोग, तो वो निकलता है पानी के साथ, तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे हमारा जैकफ्रूट करी तैयार, एकदम चिकन जैसा लग रहा है ना। तो चलिए अभी लंच करने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, घर का सारा काम कंप्लीट करके शाम को हम रेडी हो चुके हैं। तो हम जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा घूमने। हस्बैंड बोले कि आज रामनवमी है, तो चलो थोड़ा सा राम मंदिर से भी घूम के आएंगे। और यहाँ आने के बाद हमारा जो हस्बैंड का असली जगह है काम करने का, तो वहाँ पे भी नहीं गए हम, तो वहाँ पे भी जाएंगे। कलकत्ता जाने के बाद वो तो सामने था एकदम, तो पैदल चल के ही हम चले गए थे एयरपोर्ट। और यहाँ पर जो एयरपोर्ट है भुवनेश्वर में, वो हम जहाँ पर रहते हैं उससे 7 किलोमीटर दूर है, तो आना नहीं जान नहीं हुआ अभी तक। तो आज हम लोग फाइनली आए हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। और ये सेटअप पहले नहीं था यहाँ पे, कुछ ही दिन हुए होंगे इस यहाँ पे लगाए हुए, तो इसीलिए हम आ गए घूमने यहाँ पे। और यहाँ आने के बाद जो पता चला ना कि पैसेंजर बहुत ही कम है, ज़्यादा तो यहाँ पे विजिटर्स है जो यहाँ ये सेटअप देखने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए बेटू भी खुश हो गई ये देखकर, और हमारा घूमना भी हो गया एयरपोर्ट। तो चलिए अभी चलते हैं मंदिर की ओर। रोड के साइड में ये लाइटिंग्स देख के तो मन खुश हो गया गाइस। और घर में बंदी रहने के बाद ना थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ा सा घूम के ये नज़ारा देख के भी मन थोड़ा सा हल्का होता है, खुश हो जाता है। सो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर, और आज रामनवमी है और हम आए हैं राम मंदिर। तो इतना भीड़ था यहाँ पर, मतलब जाना भी बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले तो हम जूता रख लेते हैं यहाँ पे, जूता रखने के लिए लोग खड़े हैं, टिकट दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो रख देते हैं, वरना कोई उठा के ले जाएगा, जूता भी नहीं मिलेगा, खाली पैर ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रखने के बाद एक लंबा लाइन हमें तय करना पड़ा, इतना लंबा लाइन, लगभग हमें 500 मीटर ऐसे घूम के जाना पड़ा मंदिर के पास। पर दर्शन अच्छे से नहीं कर पाई, मैंने हस्बैंड को बोला अगर किसी और दिन आते तो हम अच्छे से दर्शन कर पाते, बट कोई बात नहीं, आज भी दिन अच्छा है, दर्शन कर लेते हैं भगवान जी का, और नेक्स्ट बार हम जरूर आएंगे, अच्छे से दर्शन करेंगे, पूजा भी करेंगे। तो लंबा लाइन क्रॉस करते करते बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम, इतना भीड़ था ना, और डुगू मेरा गोदी में था, डुगू भी बीच बीच में रोने लग रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पर, इतना लोग है, इतना भीड़ है। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग लाइन था, एक बार मैं हस्बैंड से बिछड़ ही गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर फ़ोन था हाथ में, कोई बात नहीं। सो दर्शन करके आ चुके, अंदर वीडियो करना मना था तो नहीं कर पाई। और यहाँ पे सारे लोग जो है दिया जला रहे थे, तो इतना ऑयल नीचे गिर गया था ना, पैर फिसला तो गया। तो चलिए दर्शन हो गया, बहुत मन हल्का हो गया, मन भी खुश हो गया, अभी चलते हैं घर की ओर। तो जय श्री राम। यहाँ पे भक्तजनों का रैली जा रहा था और मस्त डीजे भी बज रहा था, श्री राम का ही बज रहा था, पर डुगू को बहुत अच्छा लग रहा था,
इसलिए वो उसका क्लैपिंग पूरा जारी था। उसके बाद हम निकल पड़े रास्ते में। ये रास्ता, सामने वाले रास्ता बहुत ज़्यादा जैम था, उसमें हम नहीं जा सकते। तो पता नहीं हस्बैंड कहाँ से घूम फिर के जा रहे हैं, मैं तो गुम ही हो जाती, उनको पता होगा सारा रास्ता। फिर हम सोचे थे कि घर जाने वाले हैं, पर उन्होंने ले के आ गए हमको मार्केट, भुवनेश्वर का एक नंबर मार्केट ही लेके आए हैं। ये हम पहली बार यहाँ आ चुके थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं जो नहीं मिलता है, बहुत बड़ा मार्केट है। तो आई, फिर जहाँ पे हस्बैंड ने गाड़ी रखा वहाँ पे हमने देखा कि लहंगा बेच रहे थे कुछ लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हस्बैंड को बोला एक देने के लिए, तो उन्होंने मान भी गए। फिर मुझे एक पसंद आया, फिर वो उन्होंने बार्गेनिंग किया और हमने लहंगा ले लिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज नेक्स्ट डे की सुबह है, मैं मिल रही हूँ आप लोगों से। सारा काम मेरा हो चुका है, अभी जस्ट मैं कुकिंग ही कर रही थी, तो सोचा चलो आप लोगों के साथ कुछ शेयर करते हैं। तो कल गई थी मार्केट और मार्केट से लेके आई थी मैं एक लहंगा, अचानक से पसंद आ गया। मेरे हस्बैंड को बोला कि क्या एक मुझे खरीद के दोगे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोले चलो ले लो, मैं बोला सच में क्या, तो उन्होंने सच में खरीद के दिया, तो मैंने ले ही लिया। अभी वैसे तो पहनूंगी नहीं, मतलब शादी वादी भी नहीं है, मन किया बस ले लिया। तो चलिए भाई आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ। सो ये है वो, आपने देखा भी होगा ऊपर ही था। तो ये कलर मुझे अच्छा लगा तो मैंने यही लिया, ज़्यादा डार्क कलर मुझ पे अच्छा नहीं लगता है, लाइट कलर ही अच्छा लगता है, तो यही लिया। तो ये है, मैं करीब से भी दिखाती हूँ। ये है दुपट्टा, दुपट्टे में भी बहुत अच्छे काम है। और ये है ब्लाउज पीस, ब्लाउज एकदम सिंपल है क्योंकि जो मेरा बॉटम है वो बहुत हैवी है, तो ब्लाउज सिंपल है, सिर्फ बूटी है। डायमंड, ये है पूरा लहंगा, इसमें ये से पिंक फ्लावर में काम है। डायमंड है, थोड़ा छोटा छोटा देख लो डायमंड। हम जहाँ पे गए थे वो था भुवनेश्वर में एक नंबर मार्केट, वहाँ पे रात को ही ऐसे बैठते हैं लोग लहंगा वगैरह लेके। ब्राइडल लहंगा भी बहुत अच्छा था, और मुझे वेलवेट का नहीं चाहिए था, मुझे नेट का ही चाहिए था। ये भी बहुत हैवी है और इसका रेंज उन्होंने बताया था 4,000 उन्होंने बताया था। फिर बार्गेनिंग करके 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 ये 1700 में मिला है हमको, मतलब हस्बैंड ने ही किया है, मुझे तो नहीं आता बार्गेनिंग करना, हस्बैंड ने 1700 में ये लिया है। चलिए आज का ब्लॉग रिपेंड करते हैं और लहंगा आप लोगों का चला जाए, उतना चलेगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।